अब लेट्स लुक एट मिशन स्टेटमेंट, ईच ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स ओन मिशन स्टेटमेंट ठीक है मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या है मिशन स्टेटमेंट टेल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ जा रही है उसका मिशन क्या है ठीक है uh, वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है और उसका वो अब उसका मूव किस तरफ जा रही है ठीक है तो वेयर इट इज गोइंग दैट इज बेसिकली द मिशन स्टेटमेंट जबकि स्ट्रेटजी जो है इट इज दर्गेनाइजेशन के हाउ टू गेट देर हाउ टू अचीव दैट मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसको अचीव करने के लिए वी नीड स्ट्रेटजीज नाओट्स लुक एट के जी ये जो मिशन uh, है Uh, इसको फर्दर हम uh, देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर्पज फॉर बींग फॉर इट्स एग्जिस्टिंग ये मिशन बताता है ठीक है इसके अंदर देर आर सम क्वेश्चन जिनको वो ये मिशन के थ्रू हम आंसर करते हैं तो मिशन स्टेटमेंट का वो पार्ट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन uh, उस मिशन स्टेटमेंट में आंसर हों बट अगर हों तो मिशन स्टेटमेंट ज़्यादा कम्प्रीहसिव और अच्छी बन जाती है सो बेसिकली क्वेश्चन है मिशन स्टेटमेंट के अंदर कि व्हेन वी स्टार्ट द मिशन स्टेटमेंट तो बताते हैं कि व्हाट डू वी डू हम क्या करते हैं ठीक है क्या हमारा काम है एंड देन हम ये कैसे परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल बिजनेस स्कूल का हो सकता है कि जी हम ये क्या कहते हैं नॉलेज जनरेट और डिसमिनेट करते हैं फिर हम बताते हैं कि नॉलेज जनरेट हम किस तरह करते हैं और डिसमिनेट किस तरह करते हैं रिसर्च से और कोर्स वर्क से एंड ये हम किसके लिए करते हैं हमारे कस्टमर्स कौन है ठीक है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मिशन स्टेटमेंट एंड लास्टली इट इज़ के हम वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं टू आर कस्टमर टू द सोसाइटी तो ये सब एक मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं uh, जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो रहे हो लेकिन मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आर बींग आंसर्ड इन गुड मिशन स्टेटमेंट जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मिशन स्टेटमेंट को मिशन को कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसके अंदर वील uh, स्टार्ट we'll के पब्लिक इमेज क्या है दैट विल अफेक्ट योर मिशन ठीक है प्रॉफिटबिलिटी एंड ग्रोथ का क्या हो रही है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो वो भी आपके मिशन को इम्पैक्ट करेगा वैल्यूज ऑफ फिलासफीज के हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट जिसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी मिशन के ऊपर पड़ता है एंड लास्टली द कस्टमर्स जिन जिनको आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपके मिशन पर इम्पैक्ट करते हैं और मिशन से देन व्हाट यू डू इज़ यू बेन गिव बेनिफिट टू दिस सोसाइटी तो उसके बेसिस के ऊपर ये मिशन आपका शो कर रहा है कि आपने क्या बेनिफिट सोसाइटी को प्रोवाइड करना है वंस एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन इज डिवेलप आपने पहले तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी का मिशन डिवेलप होगा उसके बाद जो फंक्शनल एरियाज हैं वो अपना मिशन डेवलप करेंगे नाउ दे आर थ्री मेन फंक्शनल एरियाज जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं वन इज मार्केटिंग का एरिया द अदर इज ऑपरेशन एंड द थर्ड वन इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ये तीन एरियाज फंक्शनल एरियाज हर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो ये तीनों एरियाज अपनी अपनी मिशन स्टेटमेंट uh, बनाएंगे टू सपोर्ट द ऑर्गनाइजेशन मिशन क्या ऑर्गेनाइजेशन ने जो मिशन डिफाइन किया है उसकी सपोर्ट के लिए ये फंक्शनल एरियाज अपने मिशन जो हैं वो डिवेलप करेंगे इसके अंदर अगर हम इसको हम ग्राफिकली देख लें तो इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन मिशन से हमने फंक्शनल एरियाज़ के मिशन के ड्राइव uh, करना है और वो फंक्शनल एरियाज़ मार्केटिंग ऑप ऑपरेशन एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है एक सैंपल अगर हम देखें कंपनी मिशन को तो इट इज लेट्स से मिशन ऑफ ए कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर एंड सर्विस एंड इनोवेटिव ग्रोइंग एंड प्रॉफिटेबल वर्ल्ड वाइड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन बिजनेस दैट एक्सीड आर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ये एक से ऑर्गेनाइजेशन का है तो उसका uh, उससे जो ड्राइव हम करेंगे जो उसको सपोर्ट करेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट मिशन मे भी इट कुड बी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट विद कंपनीज मिशन एज द वर्ल्ड वाइड लो कॉस्ट मैनुफैक्चर सो बेसिकली आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो मिशन है दैट विल सपोर्ट योर कंपनीज मिशन ये नहीं हो सकता कि कंपनी मिशन कुछ बता रही है कि हम इस तरफ जा रहे हैं और ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले किसी और साइड की तरफ जा रहे हैं जितना भी है जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उन सब के मिशन जो हैं ये सपोर्ट करेंगे कंपनी के ओवरऑल मिशन को